कभी कभी हमें लगता है कि हमें धरती पर ईश्वर ने कुछ खास काम करने के मकसद से भेजा है। क्या ऐसा वास्तव में होता है? क्या हम किसी खास मकसद को लेकर जन्म लेते हैं? आइए जानते हैं। सदगुरु से प्रश्न। सदगुरु, मैं एक हाई सोसाइटी में पैसे से भरपूर जिंदगी जिया करता था। मेरी पेशेवर जिंदगी बड़ी शानदार चल रही थी, लेकिन उस तरह की जिंदगी ने मुझे बर्बाद कर दिया। इसलिए मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, अपना घर बेच दिया, सब कुछ छोड़ दिया और भारत आ गया। शुरू में मेरे भीतर एक दृढ़ विश्वास था कि मेरा एक ही मकसद है, मानव जाति की सेवा करना। क्या यह मेरे अहम से उपजी एक पागलपन भरी चाहत थी या वास्तव में यह अंतः प्रेरणा थी? सदगुरु कहते हैं, ईश्वर द्वारा मकसद दिए जाने का यह विचार अहंकार से उपजा एक तरह का उन्माद है, पागलपन है। अरबों आकाश गंगा वाले इस ब्रह्मांड के आकार के बारे में अच्छी तरह जानते हुए भी आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि आपके अस्तित्व के बारे में ईश्वर को पता है? क्या आपको पता है कि इस आश्रम में कितने टिड्डे हैं और वह कौन सी चीज है जिसने आपको यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आप टिड्डे से ज्यादा महत्वपूर्ण है? जीवन के एक अंश के रूप में टिड्डे का भी एक मकसद है और वह उसे अच्छी तरह से पूरा कर रहा है। अपने आप में टिड्डा भी एक शानदार प्राणी है। आप भी जीवन का एक शानदार अंश है, लेकिन आपके साथ जो सबसे बड़ी समस्या है वह ये है कि आप सहजता से अपने जीवन को नहीं जी पा रहे हैं। आप हमेशा ही किसी बड़े विचार की तलाश में लगे रहते हैं। टिड्डा उस बगीचे की हरियाली का आनंद ले रहा है, लेकिन आप अपने बगीचे की खूबसूरती का आनंद नहीं ले रहे हैं। यह सब कहां से पैदा होता है? ये इसलिए पैदा होता है क्योंकि इंसान अपनी बुद्धि को संभाल नहीं पा रहा। अगर हम आपके दिमाग के एक चौथाई हिस्से को निकाल ले तो आपको ऐसी कोई समस्या नहीं रहेगी, आप ठीक ठाक रहेंगे। यह समस्या विकास की प्रक्रिया की देन है। हम बुद्धि से भरे पड़े हैं, फिर भी हम बंदरों की तरह रहना चाहते हैं। आपकी बुद्धिमत्ता ही आपकी सभी समस्याओं की जड़ है। खासकर आज के आधुनिक युग में इसकी वजह यह है कि जब आप बड़े हो रहे थे उस समय आप में जरूरी अनुशासन और संतुलन लाने की कोशिश नहीं की गई। इस धरती के दूसरे प्राणियों से तुलना करें तो बुद्धि के मामले में आप दुनिया में सबसे ऊपर है। क्या जबरदस्त चीज है मानव बुद्धि, पर इसका इस्तेमाल करने के लिए आपने जरूरी स्थिरता और संतुलन हासिल नहीं किया। इस संतुलन के बिना आप जितने ज्यादा बुद्धिमान होंगे आपको उतना ही ज्यादा कष्ट होगा। आशीर्वाद भी अभिशाप बन चुका है क्योंकि हमने शुरुआती काम नहीं किया है। 6 साल के बच्चे को यह सिखाया जाता है कि इस दुनिया से कैसे काम निकाला जाए, उसे यह नहीं सिखाया जाता कि शांत और स्थिर होकर कैसे बैठा जाता है, संतुलन की अवस्था में कैसे रहा जाता है। कल को अगर यह बुद्धि इतनी बढ़ जाए कि वह एक मीनार सी ऊंचाई हासिल कर ले तो बुद्धि की वह मीनार गिरकर बिखर जाएगी। अगर उसे एक स्थिर आधार नहीं मिलता, अगर विकास की प्रक्रिया के बाकी चरणों को देखें तो उनकी तुलना में इंसान को यह बुद्धि मिलने में बहुत कम समय लगता है। अगर आप बाकी सभी प्राणियों के क्रमिक विकास की प्रक्रिया को देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक कृमि को कीट बनने में जितना समय लगा, एक कीट को
एक सरीसृप बनने में जितना समय लगा उसकी तुलना में एक बंदर को इंसान बनने में बहुत कम समय लगा। क्रमिक विकास के पैमाने पर देखे तो इंसान के मामले में चीजें तेजी से हुई। यही वजह है कि इंसान का बच्चा दूसरों की तरह रेडीमेड नहीं आता। अगर कोई हाथी किसी बच्चे को जन्म दे तो वह रेडीमेड होता है, यानी वह पहले ही दिन खड़ा हो जाता है और उसे पता होता है कि उसे क्या करना है। कुछ ही महीनों के भीतर वह सब काम करता नजर आ जाता है जो उसे जीवन में करने हैं। उसे अच्छा खाना है और ताकतवर बनना है। मानव जीवन रेडीमेड नहीं है, आपको खुद को स्थिर करने की जरूरत है, नहीं तो क्रमिक विकास की जो गति है वह आपके लिए घातक होगी। इंसान को प्रकृति से जो आजादी मिली है वह उसी की वजह से परेशानी में है। इस धरती के सभी दूसरे प्राणियों की तुलना में आपकी बुद्धि सबसे प्रखर है, यही समस्या है। आप दो पैरों पर खड़े हो सकते हैं, ये भी समस्या है। आप जब चाहे खा सकते हैं, आप जब चाहे संभोग कर सकते हैं, दूसरे प्राणी ये सब एक खास मौसम में करते हैं और नतीजा जरा देखिए कैसे पागल होकर हमने अपनी संख्या कई गुना बढ़ा ली है। जितनी आजादी हमें दी गई है उतनी किसी दूसरे प्राणी को कभी नहीं दी गई। इस चीज को हमें अपने लिए एक संभावना के तौर पर विकसित करना चाहिए था, लेकिन हुआ उल्टा। यही आजादी इंसान के लिए श्राप बन गई। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो उस आजादी और बुद्धिमानी का आनंद ले पा रहे हैं जो उन्हें प्रकृति की ओर से मिली है। हमारी समस्या यही है कि प्रकृति ने हमें जो तोहफा दिया है हम उसे संभाल पाने में समर्थ नहीं है। मान लीजिए आपको 25 साल की जेल हुई, लेकिन अचानक 10 साल के बाद उन्होंने आपको रिहा करने का निर्णय ले लिया। यह सबसे अच्छी बात है जो आपके साथ हो सकती थी, लेकिन लोगों को इससे कष्ट होगा। अभी यही हो रहा है, प्रकृति ने आपको जल्दी रिहा कर दिया ये सोचकर कि आप अपनी बुद्धि के सहारे सब कुछ ठीक तरह से संभाल सकेंगे। लेकिन संतुलन और स्थिरता लाए बिना लोग तमाम तरह की चीजों में उलझते हैं, और इन्हीं में से एक चीज ये है कि वे जीवन में एक बड़ा मकसद चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो जीवन है आप उसके अलावा कुछ और बनना चाहते हैं। अध्यात्म का मतलब है कि आपका अपना कोई लक्ष्य नहीं है, आप कुछ भी लेकर जाने या हासिल करने के चक्कर में नहीं है। आप न कुछ हासिल करना चाहते हैं न कहीं पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप ठीक तरह से देखें तो आप पाएंगे कि जीवन की प्रक्रिया अपने आप में इतनी शानदार है कि उसे किसी उद्देश्य की आवश्यकता नहीं है। जो लोग जीवन की इस प्रक्रिया की भव्यता को नहीं देख पाते वही किसी बड़े उद्देश्य के बारे में सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन खो दिया इसलिए वे जीवन में एक उद्देश्य ढूंढ रहे हैं। यहां कोई उद्देश्य नहीं है, पूर्ण विकसित जीवन होना, जीवन को उसकी संपूर्णता में जानना और जी भरकर जीना ही सबसे बड़ा उद्देश्य है। जीवन को जी भरकर जीने का मतलब यह नहीं है कि आप हर शाम पार्टी करें। इसका मतलब है कि आप जीवन के किसी भी पहलू को बिना छानबीन किए न छोड़े। छानबीन का अर्थ ये नहीं है कि आप बस खाने पीने संभोग करने जैसी चीजों की खोज में उलझे रहे, जिनमें आजकल हर प्राणी उलझा है। ये सामान्य सी विशेष विविशताएं किसी विकास की प्रक्रिया के अवशेष है जो आपके शरीर में मौजूद है। हो सकता है कि भविष्य में इंसान का विकास उस सीमा तक हो जाए कि खाना और सेक्स उसके लिए कोई विवशता ही न रह जाए। यहां यह सब करना
न करना उसकी मर्जी हो। अब भी आप ये सब अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में हर चीज मर्जी से कर पाने की स्थिति में आ गए तो आप एक चेतनापूर्ण जीवन बन जाते हैं। चेतनापूर्ण जीवन बनने के बाद ही आप ये जान पाएंगी कि जीवन क्या है। एक अचेतन मन जो ये नहीं जानता कि जीवन क्या है, वही जीवन में अपने लिए एक मकसद तैयार करने की कोशिश करता है। यह मकसद भी कहीं और से आता है। लोग सोचते हैं कि निर्देश ऊपर वाले के यहां से आने चाहिए। अगर आपके भीतर की मानवता ठीक से काम करने लगे तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसके लिए किसी भी ईश्वरीय निर्देश की जरूरत नहीं है। किसी भी समझदार इंसान को इसके लिए किसी उपदेश की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि लोग जीवन प्रक्रिया की भव्यता की ओर ध्यान नहीं देते, इसलिए वे अपने लिए एक मकसद तैयार करने में जुटे रहते हैं। सच तो यह है कि जीवन की प्रक्रिया ही जीवन का मकसद है। यह अच्छा ही है कि आपको आपके लक्ष्य ने हरा दिया है और अब आप जीवन की प्रक्रिया की ओर देख रहे हैं। धन्यवाद।